सो दोस्तों 9:50 हो गए हैं और हम भी बस ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। अभी से एक भाई एंड फैमिली तो पहुंच चुकी है वहाँ पे। धूप आ चुकी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत सुहावना है इतने प्यारे रिसोर्ट में। मैं और लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसा लग रहा है? ऐसी जगह मैं पहले भी आई हूँ इतने घने जंगल में? कभी नहीं, ऐसी जगह में नहीं आई मैं, कभी नहीं आई। एक्चुअली लक्ष्मी ने कभी ऐसे पहाड़, हिमालयाज और जंगल नहीं देखा है। एक बार रानीखेत गई थी फैमिली के साथ किसी वेडिंग में, और वे फरवरी में गई थी, उस टाइम स्नो थी वहाँ पे। उस टाइम तुमने पहली बार स्नो देखी होगी, है ना? बहुत मजा आया था, बहुत। तो जब से इसको लगता है कि रानीखेत जाना है, मैं बोलता हूँ जाएंगे, रानीखेत जरूर जाएंगे। मैं भी नहीं कभी गया हूँ, मेरी चेकलिस्ट में है। और जब रानीखेत जाएगा ना सुभाष चौधरी ब्लॉग्स, तो धूम मचा देगा। इनका वायरलेस आ रहा है बार बार, गुच्चू और अन्नू के पास वायरलेस है तो मुझे वायरलेस कर रहे हैं बार बार। तो ये सामने का जीवो रेस्टोरेंट आ गया। सो भाई पहुंच गया कल में, बहुत बढ़िया। टेबल टेनिस मेरा फेवरेट, पर मुझे प्रॉब्लम पता है क्या, दुख इस चीज़ का है कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं है। अरे देख लेते हैं, जो कल अधूरा रह गया था तो इसका बच्चों का कबूतर बनेगा। इसको बोल इसके अंदर चले जा, इसके अंदर चले जा। बोलो जा, कान में डालू इसके अंदर डालू इसके अंदर। सोक्ड रह गया भाई, कबूतर बनाऊं? नहीं आ रहे हैं, उड़ता रहेगा यहाँ पे, अच्छा नहीं लगेगा। ये तो डर नहीं रहा, इसको बनाओ बड़े को, ये डरता है, ये देखो इसको बनाओ। चलो भाई रेस्टोरेंट में चलते हैं, अपने प्यारे से रेस्टोरेंट में। चलो भाई हो रहा है, देखते हैं यहाँ पे कैसा ब्रेकफास्ट मिलेगा। लाहरी मिनटेज में तो अच्छा था, उनके जो सैंडविच थे हमने खूब अच्छे से खाया। ये बोल रहे हैं कि सैंडविच नहीं देंगे, टोस्ट देंगे। टोस्ट तो बहुत बेसिक हो जाता है। ये मेरे ख्याल से रियल जूस होगा, मिक्स है ना, ये मिक्स फ्रूट जूस है। चलो जूस आ गया। तुमने पता क्या काम किया है, जूस रखे हैं पैकेट ट्रॉपिकाना के, लेकिन हाथ तक नहीं लगा, और यहाँ पे इन्होंने दिया है ग्लास में खाल के, लाल लाल ऐसे पी गए। तो इनको ऐसे ही दिया करो घर पे भी ना, ऐसे ट्रे में ला के दिया करो, गुच्चू जूस पीना है, देखो कैसे उठा के पियेंगे। ठीक है, शॉप भी अच्छा है एक्चुअली। देखो देखो भाभी जी भी ये चीज बोल रही है, ला हर्मिटेज का मैंने शैम्पू लगाया, बाल चिपक गए, बहुत बुरा हाल था। यहाँ का जो ये चीज है ना, शैम्पू बॉडी वॉश या सोप, सब अच्छा है। अच्छा था वो, अच्छा है। हाँ भाई, हम इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो ये शैम्पू दे रहे हैं, बॉडी वॉश दे रहे हैं, मतलब इन चीजों का भी हम क्वालिटी देखते हैं। वो जो ला हर्मिटेज में इतनी रियली में इतनी पैथेटिक क्वालिटी थी, पता नहीं कहाँ से ला रखा था उन्होंने, सारे बाल चिपक गए। मतलब हम इन चीज़ों को देखते हैं भाई, पैसे दे रहे हैं, हमारी बॉडी पे लग रहा है वो, तो हम इन चीज़ों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हालांकि इनको मेरे जैसे क्लाइंट बहुत कम मिलते हैं, साल में एक दो मिल गए तो मिल गए, वरना मैं तो भाई बाल की खाल निकाल लेता हूँ। भाई ये बोल रहा है गुच्चू की आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर भी क्यों लोग बनाते हो? गुच्चू को बोला मैंने, गुच्चू बोल रहा है बनाने पड़ते हैं भाई, बनाने पड़ते हैं, मेरा शौक है, मैं मन से बनाता हूँ ना, दिल से। यहाँ पे आ गई है पूरी, और यहाँ पे आ गई है आलू की सब्जी, स्टफ पराठा, यानी कि आलू के पराठे आ गए हैं, दही आ गई है, अमूल का मक्खन आ गया है, और आलू की सब्जी। भाई इनकी ना ब्रेड भी ताज़ी है, बहुत सॉफ्ट है, और लाहरमिटेज की ब्रेड ताज़ी नहीं थी, बहुत हार्ड थी, सूखी सूखी सी थी। भाई आलू की सब्जी ना ख़त्म हो गई थी, तो इन्होंने 5-10 मिनट लिया उसको रिफिल करने में, और इस बार थोड़ा चेंज दी है, मटर भी कच्चे हैं, और प्याज लहसुन का जो पहले टेस्ट आ रहा था वो नहीं आ रहा है, मतलब बनाई होगी इन्होंने दोबारा से, पर ठीक है फिर भी ये बोल रहा है। पूरी कम से कम 10 मिनट हो गए हैं वेट कर रहे हैं, पूरी नहीं आ पा रही है। 10 मिनट तो हो गए होंगे पूरी में वेट कर रहे हैं, पहले सब्जी में वेट किया, सब्जी बनाई, भाई सब्जी में वेट किया, सब्जी बनाई, अब आटा गूंद रहे होंगे, अब पूरी आएगी। ये थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है बस यहाँ पर, और कुछ नहीं है। पराठे नहीं खाइए चाहिए भैया, पराठे तुम बाहर भी खा लेते हैं, पूरी चाहिए, पूरी नहीं मिलेगी, पूरी मना कर दी इन्होंने, भाई मना कर दी, पूरी नहीं मिलेगी। तो फिर सैंडविच बना दो, सैंडविच भी नहीं बन पाएगा। बटर टोस्ट ले ले। चलो फिर अब इसमें ही डिस्काउंट कर देना हमें, जब नहीं दे पा रहे तो हम क्या करें, हम नहीं बोल देंगे और क्या। बटर टोस्ट ले लूँगा और क्या, फिर तो और कुछ है ही नहीं, जब पूरी भाजी, जब पूरी नहीं है, पूरी नहीं है, पूरी के बिना भाजी बेकार है और दही भी बेकार है। और हमने इतनी तो खाई भी नहीं है, लाओ यही दे दो फिर, इसी काम चला लेंगे भाई, ऐसा भी होता है, और बताया भी नहीं इन्होंने, बैठे हैं पिछले 15 मिनट से। ठीक है दोस्तों, ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, कुछ फोटोग्राफी भी हो गई है, अब थोड़ा सा टेबल टेनिस दोबारा से खेल रहे हैं। अंकल मुझे भी आप खेलना है।
ओह कितनी तेज मारता है, इतनी तेज मारता है, इतनी तेज पता, ये क्या सोचता मैं छक्का मार दूं, वो गया है ये रैकेट भगाया गया है बॉल। वीडियो नहीं बन पा रही इसके साथ तो, नहीं बन पा रही। अच्छे से एक शॉट तो खेल ले ताकि वीडियो बन जाए, हद होगी यार, हद होगी ओ तेरी। अरे यार एक पता, एक कंप्लीट नहीं हो पा रही एक शॉट भी बिल्कुल भी। चलो एक बार और ट्राई करो, चलो 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 चलो। अरे यार हट जा भाई, इसमें बनती थी दाल गाँव में ना, अब अभी भी बनती है भाई, पता है सहारनपुर के इलाके की सबसे अच्छी दाल है और इसमें ही बनाते हैं भाई, भाई बहुत बढ़िया भाई। और ये देखो भाई बोतल ब्रश, अब नाम याद रहेगा ना इसका, ये वाला। सो दोस्तों यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी फोटो आ गई है लक्ष्मी की, पीछे ये हमारा कॉटेज है उस तरफ, और ये पेड़ तो भाई गजब है, ये वही वाला पेड़ है जो मैंने मॉर्निंग वॉक पे भी दिखाया था, दूसरे वाला वो बड़ा था ये छोटा है, ये वाला बिल्कुल फ्रेश है, ये वाला भी फ्रेश है। सबसे ज्यादा चिड़िया इस पे आती है बुलबुल की, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक किया ना, हाँ लीची का पेड़ है और देखो इसको पोर आने लगी है, इस बार इस पे लीची लगेगी, ये देखो बता दूं। तो भाई नन्नू बोल रहा है ये गुच्चू ना गंदा बच्चा है, ये सीख रहा है, क्या सीख रहा है ये, क्या ये मोए मोए सीख रहा है, कैसे करता है तू, मोए मोए करके दिखाना कैसे। तो भाई बैग वगैरह हमने यहाँ पे रख दिए, कार आ रही है बस ये बैग लेके, हम तो पैदल ही सोच रहे हैं रिसेप्शन से पैदल जाएं, कहाँ से इस तरफ से आएगी, नहीं कल भी तो इस तरफ से ही आई थी, इस तरफ से आएगी, गई उस तरफ थी लेकिन अभी भी इस तरफ से ही आएगी कार। अभी जी बोल रही है बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का किसी का भी, हाँ किसी का भी, तेरा मन कर रहा है जाने का, तुम्हारा मन कर रहा है जाने का, है होली नहीं होती और हमें भी मेरठ नहीं जाना होता, तुम्हें मेरठ जाना है भाई, ये रिजोर्ट लिटरली ऐसा है भाई, जो एक बार आ गया बस पूछो मत, बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, बस ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से आना है बहुत जल्दी, अब देखते हैं कब आना होगा। और मॉनसून में आप आ गए ना, मॉनसून में भाई उस तरफ से व्यू आता है बहुत प्यारा वैली का, 101 102 में, उसमें रुकना पूरा फोग आपके कॉटेज के अंदर जाएगा। अच्छा क्या अगर ऐसे उठा के ले जाओगे, ऐसे ले जाओ कोई बात नहीं है ना, हम पैदल चलते हैं, हमने तो कार के लिए बोला था, मैं इसलिए खुद फोन कर रहा था, तुमने दो बार किया था, कोई बात नहीं छोड़ो। सो बाय बाय टू वनवासा रिजोर्ट, अपना प्यारा सा कॉटेज, अगर आप ये वाला कोटेज 130 लेंगे तो आपको 130 के सामने ये ग्राउंड मिलेगा और यहाँ से ये रास्ता है, और हम तो खैर ऊपर वाले में थे तो 130 के साथ ये वाला भी पोर्शन मिलेगा और उस तरफ का व्यू भी मिलेगा। तो ठीक है चलते हैं, बाय बाय टू वनवासा, चलो भाई धीरे धीरे चलो, तो हमारा लगेज तो जा रहा है, कार तो नहीं आ पाई अभी, कार इन्होंने शायद मना कर दी होगी, तो पैदल ही जा रहे हैं लगेज लेके, हो सकता है ड्राइवर नहीं हो, क्या कह रहा है ओ माई गॉड, ये तो भाई बाघ को इस लकड़ी से, इस जरा सी लकड़ी से भगा देगा, मुंह तोड़ देगा, तो देखो छाते वाली लकड़ी है। क्या क्या ड्रीम्स होती हैं बच्चों की, बच्चों की कितनी कहाँ किस इमेजिन वर्ल्ड में जीते हैं, मेरी नहीं है। और पता है रात ये सफारी करने के लिए, इसकी वजह से नहीं गए सिर्फ सफारी, ये डर गया और अब कह रहा है ये तोड़ दूंगा, मुँह तोड़ दूंगा, है ना, नहीं वो रास्ता थोड़ा वैसा है ना, और बारिश जैसे मॉल भी हो रहा है, होली के दिन भी बारिश बता रखी है। रेस्टोरेंट और कॉटेज एक्चुअली 11:30 बजे हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, और अभी जाते वक्त सोच रहे हैं बस घर ही जाना है अब तो, और जाते वक्त सोच रहे हैं कि KTR वाटरफॉल घूमें, देखते हैं कितना ट्रैक है उसका, और क्या कहते हैं थोड़ी, और एक दो विलेज में घूमेंगे, सुशील जी की दुकान पे जाएंगे, सुशील जी से बात करेंगे, उनका घर देखेंगे, उनके गाँव में घूमेंगे, पहाड़ी डॉग से मिलेंगे, गाय भैंस से मिलना है, बकरी और चूजे ले जाऊंगा भाई, इसको तो पता नहीं इतना शौक है ना, इतना बड़ा एनिमल लवर है ये, क्या बोल, ये भी है, कैमरे के सामने इतना स्लो मत बोला कर तू, थोड़ा तेज बोला कर, दोबारा से बोल, मैं भी हूँ, हाँ ऐसे ऐसे आती है आवाज, वरना तो कोई शर्म नहीं है, मैं अपना 2-3 साल में व्लॉगिंग चैनल खोलूंगा। इसकी मम्मी व्लॉगिंग चैनल नहीं खोलने दे रही क्योंकि ये कह रहे फिर पढ़ाई से ध्यान भटकेगा, खोलेगा ये ची, कैसा नाम है ये, ये तो मजाक कर रहा है गुच्चू, गुच्चू छोटे वाला, नन्नू बड़े वाला, किस तरह का स्टोन है, उए, उए, उए,
भूत है ये, भूत है। हट जाओ हट जाओ, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। अरे नहीं तो ये वो वाला कोटेज जो मैं कल मिल रहा था स्टार्टिंग में, इससे व्यू देखते हैं उस तरफ का। चलो पास होने चाहिए, लेकिन हमने वो वाला कोटेज इसलिए लिया, वो रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल के पास था, है ना। हाँ, और अच्छा भी था, ऐसा नहीं है। हाँ चलो आ जाओ, कोटेज है जो हमें मिल रहा था कल भाई, ये है 101 कोटेज भी बेस्ट है। इसमें थोड़ा ठंडक थी, 102 में थोड़ा सा गर्मी थी, क्योंकि सूरज इस तरह से मूव करता है ना। और इधर पेड़ भी है, पेड़ की छाँव में हो जाता है ये। सामने रिसेप्शन है, बस थोड़ा सा मुझे ये लगा ये गंजा पहाड़ है, वो घास वगैरह नहीं है इस पर। मुझे लग रहा है एक कोटेज इनकी यहाँ की भी तैयारी चल रही है, ये कोटेज जरूर बनेगा यहाँ पे। और व्यू देखो भाई, ओ माई गॉड क्या व्यू है, क्या व्यू है। अभी हमें ऐसे ही जाना है, हवा कितनी अच्छी चल रही है। हाँ वो डैम है, वो दिख रहा है वहाँ पे ऊपर। ये देखो दोस्तों, इधर कोटेज बनाएंगे, कोटेज बनाएंगे इधर। ये देखो भाई, ये मंडाल वो रिवर जा रही है, और देखो उस तरफ विलेजेस। अभी हमें उस जंगल के किनारे किनारे से जाना है वापस। सुपर्ब। और डैम का वाटर, डैम का पानी दिख रहा है भाई, कालागढ़ डैम दिख रहा है क्लियर, जूम करके दिखाने की कोशिश कर। ये देखो, ये देखो, आई होप आपको दिख पा रहा हो, थोड़ा सा फोग आ रहा है। ये पूरा ये जो दिख रहा है ना पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे, ये देहरादून से बस आ गई है, इसी टाइम आती है 11:30 बजे, और आवाज़ आ रही है हॉर्न की, यहाँ तक हॉर्न की आवाज़ क्लियर सुनाई देती है, इस तरह से बस आती है। लक्ष्मी को तो इस तरफ ही रुकना था, और कोटेज भाई व्यू तो है काफ़ी अच्छा है, इनकी जगह नीचे तक है सब, मैं सही कह रहे हो। और हवा तो यहाँ पे बेस्ट चल ही रही है। ये देखो इन्होंने काम करने वाले काफ़ी लोग हैं यहाँ पे स्टाफ के, तो ये देखो कुछ लेडीज़ हैं जो साफ़ सफाई कर रही हैं। ओनर यहाँ यहीं रहते हैं, नोएडा रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं फिलहाल, तो वो आए हुए हैं तो वो प्रेजेंट रहते हैं, तो उसका फ़र्क पड़ता है। देखो लक्ष्मी के भी कुछ फ़ोटो खींच गए हैं, ये बोल रही है कि मुझे यहाँ पे खड़ा होना है, और बैकग्राउंड पूरा सीनरी आनी चाहिए, पूरा वैली आनी चाहिए। सो ठीक है, बहुत अच्छे फ़ोटो खींच गए हैं। क्या काला हो गया? ओ भाई पूल में नहा के पूरा काला हो गया ये, यहाँ से गुद्दी गुद्दी लाल कर दे इसकी, पुकाप काली होगी है। और भाई इनकी कटिंग देखो, देखो इसने कॉपी करी है ये वाला स्टाइल इसका, ये देखो यहाँ पे जो ये करता है वही वो करता है। वो मेरी पूछे दिखाना, दिखाना क्या लिया तूने, ये कैसा कांच है यार, ये देख ये वाले पत्थर देखे कभी तूने, यहीं पे होते हैं पहाड़ों पे ये पत्थर नहीं है। अरे यहीं पे ही मिलते हैं ये, यहाँ पे तू चुकेगा तो ये देखो, ये भी देख है। दिखा एक ही रहा। बहुत सारे हैं, दिखा 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 लो दिखा। एक्चुअली दोस्तों मैं तो मजाक कर रहा था, ये यहाँ पे वैसे ही है कुछ गिरा हुआ ये। सो बैक टू रिसेप्शन, हाँ ये तो लंच का 98 तो चेकआउट तो यहाँ से कर ही रहते हैं, तो कुंदनी से बोल रहे थे। अच्छा एक वाटरफॉल भी है यहाँ पे, तो वो केटीआर वाटरफॉल जो रास्ते में पड़ेगा उसी की बात कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं रास्ते से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक भी है। हाँ समझ गया, जब ऊपर चढ़ाई करते हैं गांव से वहाँ की बात कर रहे हैं आप? लोहे का ब्रिज आया हुआ है। अच्छा ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे है। कितनी दूर होगा यहाँ से लोहे का ब्रिज? यहाँ से लोहे का ब्रिज आपका 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हम ऑलमोस्ट नीचे उतर के हैं, तो वहाँ से कितना चलना पड़ता है पैदल? 500 मीटर। तो बच्चे जा सकते हैं? और मतलब ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं है ना, और सेफ भी है, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल गांव के पास में, अगर कोई मिलेगा तो गांव वाले को बोल देंगे चल लेगा साथ में, अगर कोई मिला तो, है ना। तब थोड़ा सा आके जाना होगा सर। हाँ हाँ गाइड भी दे देंगे आपको। हाँ वो तो यहाँ से तो गाइड भी दे देंगे। चलो ठीक है, चलो अगर नेक्स्ट टाइम तो रोड भी बन जाएगी, फिर हम नाइट सफारी पर आराम से जाएंगे, इस बार तो नहीं जा पाए। देखो ये है वो कैटेगरी जो बोटल ब्रश में एग्जैक्ट फिट होती है इस तरह से, ये भी इसी की कैटेगरी है, दिखाना ये भी यही वाले होते हैं, ये वाले भी है। तो दोस्तों फाइनली हम बाहर आ चुके हैं रिसेप्शन से भी, अपनी कार उठा के बस चलते हैं। और यहाँ पे देखो इन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है, वनवासा रिजॉर्ट फॉल्स इनटू कालागढ़ टाइगर रिजर्व विच इज एन इको सेंसिटिव जोन, प्लीज टेक अवे योर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बैक और पुट डैम इनटू डस्टबिन, प्लीज डू नॉट इट बैक टू होम। क्या कह रहा है? हाँ यहाँ भी काफी अच्छे फूल हैं, और यहाँ से भी भाई देखो पूरा व्यू आ रहा है। ये वाली प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है ना, वो वाली भी देखो, वो वाली हाँ। वो वाली पूरी लैंड बहुत अच्छी है भाई, गांव के बराबर में। वाह बकरी, बकरी।
कहाँ है? वहाँ पे सब मिलेगा। चलो चलो चलते हैं, बकरी देखनी है। और इसलिए ना इसे इसने हमें रात नहीं घूमने दिया, अब हम भी नहीं घूमने देंगे। सो भाई स्टार्ट कर दिया हमने। तो एक जगह रास्ते में रुके हैं हम, कम से कम 4-5 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट से। पहले तो ऑफ रोडिंग थी 3.5 किलोमीटर की, फिर ये एक गांव में रास्ता जा रहा है वो आ चुका, फिर ये थोड़ा सा मेन रोड आ चुकी है, और ये भी खैर काफ़ी ऑफ रोडिंग है। और देखो झरना कितना बड़ा है ये, हम पता इसमें से वाटर बॉटल भी नहीं भर सकते, हर जगह से पता ये हाथ पे गिर जाए, गीला हो जाएगा। बहुत ठंडक है यहाँ पे, हाथ गीले हो जाएंगे, कहीं से नहीं भर पाओगे। कल रात हमें ना यहीं से ऑफ रोड वो करनी थी नाइट ड्राइव, पर हम कर नहीं पाए, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब करेंगे। ये देखो कार ना कितनी गंदी हो चुकी, धो दे। लो धो दिया। ये क्या बदतमीजी है, निकाल ना भरो पानी, बोतल में फेंक रहे हो, पकड़ उसको। अरे यहाँ से भरो, नीचे से, नीचे से। तो दोस्तों हम ना कार धो रहे हैं, और देखो कैसे धो रहे हैं, पीछे वाटरफॉल है, कितनी आवाज हो रही है, ये देखो मजा आ रहा है ना। दूरी है ना, अच्छा लग रहा है। इसे बंद कर दे। तो भाई कार अब आगे से धो रही है, भाई पीछे से तो कार सूख गई है, धो गई है, मैंने पहले ऐसे लगा दी थी और अब ऐसे ऐसे लगा दी है, बिल्कुल देखो टच करके ऐसे धो रही है। छोड़ दे, कितनी साफ करेगा, पूरा गीला हो गया तू, आज होली है क्या? अरे यहाँ मत फेंक, उठा उठा, उठा, उठा। नहीं नहीं हाँ बहुत मेहनत। भाई नीचे नदी कितनी प्यारी है और गांव। सो दोस्तों वाटरफॉल दिख गया है, KTR वाटरफॉल वो रहा सामने, कितना प्यारा कितना ऊंचा वाटरफॉल है ये देखो। इधर कुछ गांव भी हैं, ये घर है नीचे, और हम तो ऊपर रोड से दिख गया था ये देखो। देखते हैं अगर मौका लगा तो उस तरफ कहां से जाएंगे। चलो एक कुत्ता मिला, और कितना डर रहा है, यहाँ के कुत्ते कितने अलर्ट रहते हैं, क्योंकि लेपर्ड वगैरह से डर लगता है इनको। ये देखो डर रहा है, एक्चुअली लोमड़ी नहीं है कुत्ता है। चुप भाई, देखो किस तरह से अलर्ट है, यहाँ कुत्ते बसते ही नहीं है, यहाँ तो उठ जाते हैं कुत्ते, दिन में ही उठा लेगा लेपर्ड इधर उधर से। सामने एक अंकल दिखाई दे, इनसे पूछते हैं कि KTR वाटरफॉल का रास्ता कितना है, कहाँ से कैसे। ओ भाई कितना प्यारा गांव दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है भाई, पूरी वैली में बीचों बीच, वाओ। पूछते नमस्कार अंकल जी, वो वाटरफॉल का रास्ता कहाँ से है? वाटरफॉल का झरना है, झरना ये ऊपर रह गया वो तो। अच्छा फिर नीचे उतरना पड़ता ना काफी, थोड़ा सा हाँ, फिर चढ़ना भी वापस पड़ता है, फिर उधर से जाओ है ना, बस फैमिली के साथ तो फिर पॉसिबल नहीं है, बाद में देखेंगे। तो आप दिल्ली से आए हो? देहरादून से। ये कौन सा गांव है? ये कौन सा गांव? बसुसेरा। ठीक है, लैंड डाउन में आता है, कोई पार्टी है जमीन के लिए पूछ रहे हैं, पार्टी बता दो कहाँ पर है? नीचे है खदरासी में। अच्छा खदरासी में, अरे वाह खदरासी तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या रेट चल रहा होगा पानी के लिए? पुल है। क्या रेट चल रहा होगा? तो ये है दो ढाई नाली, दो ढाई लाख रुपए नाली। ज्यादा बता, दो ढाई लाख रुपए तो नहीं, उस तरफ तो मेन रोड पे की बात कर रहे हैं। फिर भी ठीक ही है, प्लेन्स में क्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या रेट होगा आपके गाँव में? यहाँ भी ऐसा ही, यहाँ भी इतना ही हो गया? नहीं 50,000 बना लिया। जैसे हम वनवासा गए थे, वनवासा में तो 1,50,000 ऐसे हो, 60,000-70,000 बिना सिंचाई का है नहीं। अच्छा यहाँ सिंचाई वाली जमीन है। अच्छा ये सिंचाई में तो दोगुना होता है। आपका नंबर है? वाओ भाई क्या सीनरी है, ये हिडन विलेजेस हैं भाई। हम वापस नीचे ऑलमोस्ट वैली में आ गए हैं।
सो भाई 12-13 किलोमीटर का सफर करके हम वापस वैली में आ गए। इस मंडल रिवर क्रॉस कर रहे हैं, वापस मेन रोड पे आ गए। सो भी प्लान ये है कि 7 किलोमीटर रतवाड़ा क्रॉस करते हैं, फिर वतनवासा, फिर डोटियाल विलेज। डोटियाल विलेज में सुशील जी की शॉप पे चलते हैं और उनके गांव में घूमते हैं, थोड़ा सा उनका पुराना गांव का पहाड़ी घर देखते हैं, खेत देखते हैं और इसको बकरी, गाय और डॉग मिलाएंगे, पहाड़ी डॉग से मिलाएंगे इसको।